हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन के रिज़ल्ट के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एएलपी का जो टेक्नीशियन का जो रिज़ल्ट था उसका जो है डिक्लेयर हो चुका है ऑलरेडी, और अब जो है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है डीवी के लिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन चालू हो चुका है, और आपका कब से कब डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन होगा, क्या डेट है उसका जो एडमिट कार्ड है वो अब जारी कर दिया गया इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आप देख सकिए यहाँ पर मैंशन किया गया है RRB एएलपी टेक्नीशियन डीवी टेस्ट एडमिट कार्ड। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और देखिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विज़िट कर लेंगे। फिर वहाँ पे आपको कैसे करना है, कैसे आप अपना चेक करना है एडमिट कार्ड कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन होने वाला है और आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं हैं, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये एएलपी की वैकेंसी है, इसका इम्पोर्टेंट देख लीजिए। 3 फरवरी 2018 को ये फॉर्म निकला था और 31 मार्च तक जो है इसका लास्ट डेट था। उसके बाद आप सभी को पता ही है कितनी बार इसका एग्ज़ाम, दो बार, 3 बार, 4 बार जो रिवाइज रिज़ल्ट रिवाइज आंसर की 2-3 बार हुआ। और फाइनली जो है दोस्तों, अब इसका डीवी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। ये जोन वाइज है, आप अपने अपने जोन में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर आपका RRB अहमदाबाद है तो आप अहमदाबाद के जोन में जाके अपना चेक कर सकते हैं। अजमेर है तो आप अजमेर में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ऑफिशियली जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डाउनलोड डीवी टेस्ट एडमिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप क्या है ऑफिशियली इस पर जाके भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, आपको जो है इसका एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो पासवर्ड है, देखिए आपके सामने कैंडिडेट लॉगिन आ चुका है। आप देखिए यहाँ पर एक रोल नंबर डालते हैं, हमारे पास एक स्टूडेंट का नंबर है। तो आप इस प्रकार जो है अपना यूज़र आईडी नंबर डाल के और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के देखिए आप ओपन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे खुल चुका है डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स में आप अपना नाम नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे एक शैलेश सरोजर का है और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है इनका। और इस प्रकार देखिए आप डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन कॉलम पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर देखिए क्या दिखाता है, शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी लिस्ट ये टू बी पब्लिश फॉर योर RRB, यानी कि इनका जो है भी RRB का जो लिस्ट है अभी तक नहीं हुआ है, पब्लिश होना बाकी है। तो यहाँ पे आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड फॉर डीवी का जो है स्टेटस बताएगा कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपना चेक कर सकते हैं डीवी, और अगर आपका जो अपडेट रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि सारे जोन का अभी आना बाकी है दोस्तों, कुछ जोन का रिजल्ट हो चुका है जैसे अहमदाबाद मालदा, तो कुछ जोन के बाकी हैं क्योंकि 17 जोन है टोटल और सभी के जो है रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं। तो जिन जिन का आ चुका है उनके लिए तो डीवी का जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, जिनका नहीं आया उनका बहुत ही जल्दी यानी कि आज कल या परसों तक कभी भी जारी हो सकता है किसी भी समय। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपना चेक कर सकते हैं डीवी के बारे में एडमिट कार्ड। तो और भी अगर कुछ आपको पूछना हो तो इसके बारे में तो हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर देंगे आपको। और दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्मार्ट नौकरी चैनल जो है आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने की जानकारी देती है, सभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस भी फॉर्म आते हैं उसके बारे में अपडेट बताती है। थैंक यू दोस्तों।